देश अपना परिवार का। और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं छिंदवाड़ा, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। छिंदवाड़ा के लिए ये दो दो शहीदों ने हमको अपनी देशभक्ति का ज्वार उत्पन्न किया है। मुझे छिंदवाड़ा के दोनों परिवार, पहाड़े परिवार और कबीर के परिवार के लिए उनके माता पिता के चरणों में प्रणाम करता हूं, उनका आशीर्वाद लेता हूं और ये हमारे लिए सदैव जीवन भर स्मरण रहेगा। इसलिए इनके दोनों की स्मृति के कॉलेज का नाम और जो जो उनने मांग की है वो सारी की सारी मांग मैं मंजूर करता हूं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है, जीवन भर हम इनकी स्मृति को हमारे पास रखेंगे और बाकी की युवा पीढ़ी को ये सदैव प्रेरणा पुंज की तरह हमको दिखाई देते रहेंगे। आज के इस अवसर पर छिंदवाड़ा के इस पूरे आयोजन में बहुत सारे प्रकार के स्टॉल लगे, बहुत सारे बैनर लगे। विकास के मामले में छिंदवाड़ा जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, हम एक रोड मैप बनाएंगे आने वाले समय में। यहाँ उद्योग धंधे, फैक्ट्रियां, बड़े बड़े कारखाने और अनेक प्रकार की सौगात लेके अगली बार आने वाला हूँ। आज तो हमने अपने उस छिंदवाड़ा के प्रेम के कारण आया था और शहीदों के परिवार के कारण आया हूँ। आपने सबने दो दिन से देखा होगा, वैसे तो 5 जून से लेकर 16 जून तक जल गंगा अभियान पूरे प्रदेश में हम चला रहे हैं। आपके छिंदवाड़ा के अंदर भी लगभग मुझे जो बताया गया है, इस छिंदवाड़ा के अंदर लगभग आपके यहाँ पर 1400 से ज्यादा तालाब आज के बाद लगातार तीन दिन से चल रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ, 1400 तालाब किसको कहते हैं? और नगरीय निकाय के 99 लाख की लागत से 200 से ज्यादा जल संवर्धन की जल संरचनाएं, नदी, बावड़ी, तालाब, कुआं, अनेक प्रकार के काम यहाँ चल रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि यहाँ हाथों हाथ वर्षा काल आने वाला है, तो वर्षा काल में 70,000 औषधि और फलदार पौधे रोपे जा रहे हैं। एक एक बूंद बचाना ये हम सबके लिए अनिवार्य है। और जैसे मैंने कहा कि गंगा माता के माध्यम से हम सभी नदियों को प्रणाम कर रहे हैं, आज आपकी जानकारी के लिए आसपास के कोई भी तालाब में, कोई भी जल संरचना में अगर हमको लगता है जल अभियान के माध्यम से जन सहयोग के आधार पर आपको अपने खेतों में मिट्टी ले जाना है, तो हमने खनिज विभाग को निर्देश जारी किए हैं, किसी को कोई रोकेगा नहीं। आपका अपना तालाब बनाइए, आप अपने तालाब की स्वच्छता के आधार पर पानी की संरचना बनाइए, सरकार आपके साथ खड़ी है। और इस पूरे मामले में आज समय की कमी है, जो जो आप चाहोगे वो हम सब देने को तैयार है।